ब्यूटी इज अ थिंग टू बिहोल्ड, खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती, और ये सब चाहते हैं कि खूबसूरत दिखे, लेकिन एजिंग का प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है, तब वो खूबसूरती काफ़ी लंबे समय तक जवानी कैसे बनी रहे उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे उसके लिए हम फेस मास्क यूज़ करें, मसाज यूज़ करें, या कुछ और तरीके अपनाएं, घरेलू तरीके सबसे अच्छे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज इसी खूबसूरती को बहुत लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज़, कुछ रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए रेमेडी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं तैयार करूँगी फेस मिस्ट। इसके लिए मुझे एक खाली बॉटल चाहिए जो स्प्रे के लिए, और दो लीव्स चाहिए, ग्रीन लीव्स एलोवेरा की, ताज़ा मैंने लिए हैं और ताज़ा ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अगर किसी को ताज़ा नहीं मिलते हैं तब वो बाज़ार वाला यूज़ करें, लेकिन जितना इफ़ेक्ट ताज़ा का होता है उतना बाज़ार वाले का नहीं होता है। तो इस लीव को निकालने का, इसका जेल निकालने का तरीका आप देख लीजिए। साइडों से काटना है, लीव के दो टुकड़े करने हैं और बीच से क्लियर जो ट्रांसपेरेंट जेल होता है वो हमने लेना है। इस जेल को हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद इससे एक फेस मिस्ट तैयार करेंगे। ये मैंने रोज़ वाटर लिया है, ये भी घर का बना हुआ है, या तो आप डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं। ये घर में बनाना आसान है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप देख के खुद भी बना सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे और हमारा फेस मिस्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। अगर मैं एलोवेरा की बात करूं तो इसमें इसकी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें इतने सारे गुण हैं कि ये स्किन को बहुत अच्छा कर देते हैं, स्किन को रिपेयर करना, स्किन से टैनिंग दूर करना, ये सब एलोवेरा बड़े आराम से करता है। तो हमने ये देखिए ये ले लिया है, ब्लेंड करके इसको मैंने छान लिया था। अब थोड़ा सा मैंने इसमें एसेंशियल ऑयल मिला दिया है, 2-3 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलाया है, और उसके बाद इसको स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे। और इस ये डेली करना है, अगर आप 2 बार भी करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एलोवेरा में 98% पानी होता है, तो जब इस इतने पानी वाले एक स्प्रे से आप अपनी स्किन पर स्प्रे करेंगे तो स्किन जो है बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सन टैनिंग इससे दूर होता है, ग्रीसी स्किन ग्रीसी नहीं होती है बल्कि सॉफ्ट हो जाती है। और बस इस तरीके से आपने इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करते टाइम ध्यान रखें कि आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये आँख बंद करके आप स्प्रे करें, और दिन में 2 बार करें तो और भी अच्छा होगा। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे स्क्रब। इसके लिए भी मैंने एलोवेरा लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं या तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने चीनी लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल मिला दिया है ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो और ज़्यादा घिसाव ना हो जिससे स्किन ख़राब हो जाए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी एक बहुत अच्छा स्क्रब बनती है, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, डीप क्लीनिंग, डीप पोर्स में जाके वहाँ तक ये क्लीन करती है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बड़े आराम से हटा के स्किन को एक नेचुरल ग्लो देती है। आपने इसको ऐसे लगाना है, फैलाना है और फिर हल्के हाथ से इसे मसाज करनी है। आप अपनी कोहनियों पर, घुटनों पर, जहाँ की स्किन ज़्यादा काली हो जाती है वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब करना है आपने, हल्के से मसाज देके स्क्रब करना है। एक्ने पिंपल के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है, डार्क स्पॉट्स को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। बस स्किन के ऊपर फैलाएं, हल्के से मसाज दें और इसको धो दें। अब चलिए बनाते हैं फेस मास्क। इसमें मैंने लेमन यूज़ किया है और एलोवेरा जेल यूज़ किया है। लेमन में विटामिन सी होता है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो डैमेज स्किन को बहुत जल्दी से रिपेयर कर सकता है। तो हमने लिया 1.5 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप यहाँ भी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, फ्रेश या मार्केट वाला। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मिला दिया लेमन जूस। ये इसकी एस्ट्रोजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन को डीप क्लीनिंग करता है। पीएच लेवल इसका हाई होने के कारण स्किन पर बहुत फ़ायदेमंद होता है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सेस ऑयल को स्किन से दूर करता है, और जब एक्सेस ऑयल नहीं रहेगा तो एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होने देता है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब ये 3
हमने चीज़ें बनाई हैं। एक बनाया है फेस मिस्ट, फेस पैक आपने बड़े प्यार से आराम से लगाना है, लगा के उसको सूखने देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ड्रिपी सा है, तो आपको 2-3 कोट इसकी करनी पड़ेंगी, 2-3 बार इसको लगाना पड़ेगा। बस लगाने के बाद हल्की सी मसाज दें, स्किन को पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचें ऊपर की तरफ, तो चेहरे पर एक रौनक आती है। अब देखिए, आपने जो ये फेस फॉगिंग है ये डेली करना है, आप 2 बार भी कर सकते हैं इसको। आपने एक्सफोलिएशन हर अल्टरनेट डे में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, और फेस पैक हर हफ्ते लगाना है, वंस इन अ वीक। तब आप देखेंगे कि करीब 15-20 दिन या 1 महीने के यूज़ के बाद ही आपकी स्किन में आपको खुद ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आने वाला है, एक्ने पिंपल वगैरह सब ठीक होने वाले हैं। और इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़े, आप अपने किसी भी टाइम में इसको कर सकते हैं। इस एक्सफोलिएट करें, पैक लगाएं और स्प्रे करें, बस हो गया आपका काम। अगर आप इसको यूज़ करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपको ये स्किन केयर रूटीन कैसा लगा वो ज़रूर बताएं।